हेलो फ्रेंड्स, आपका भाई टेक्निकल में स्वागत है और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मोटो एम में एक नया गूगल लॉन्चर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने अपने चैनल पे पहले भी कई बार मोटो एम में लॉन्चर के ऊपर वीडियो डाली थी, मगर ये लॉन्चर इतना बढ़िया है कि उन सारे लॉन्चरों से बहुत ही बढ़िया है ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे अगर आप इसको देखते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर लॉन्चेयर लॉन्चर को इंस्टॉल कर लेना है। ये अनरिलीज्ड ऐप है तो जितना जल्दी हो सके आप इसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अनरिलीज्ड है तो ये गायब हो जाते हैं कभी कभार, ये फिर प्ले स्टोर में नहीं मिलते हैं। अगर आप इसका APK भी इंस्टॉल करते हैं तो ये वेरीफिकेशन करता है प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर में अगर इसको ऐप नहीं मिलता है तो फिर ये वर्क करने बंद कर देते हैं अनरिलीज्ड ऐप। तो ये बहुत ही छोटा ऐप है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लगभग 5 से 6 MB का ऐप है और ज़्यादा आपके फ़ोन में स्टोरेज भी नहीं लेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस लॉन्चर का रिव्यू। तो ये लॉन्चर जैसे कि आप देख सकते हैं इसका टिपिकल पिक्सल UI है और इसमें वही आपको 3D टच वाले फीचर ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा अनस्टेबल है, फिर भी हम इसको ओपन कर देते हैं। थोड़ा सा अनस्टेबल है जैसे कि हमने बताया था आपको, क्योंकि अनरिलीज्ड ऐप है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा 3D टच का भी आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे एडिट हो गया यहाँ पर, मगर वो इतना अच्छी तरह वर्क नहीं करता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आपको विजिट्स अगर ऑप्शन से अवेलेबल है तो आप वहाँ से डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें 3D टच में ऑप्शन नहीं है, मगर जो ओरियो बेस्ड डिवाइसेस है उनमें बहुत अच्छी तरह वर्क करेगा। अब चलिए इसकी सेटिंग में चलते हैं। ये लॉन्चर की सेटिंग्स देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी सबसे पहले आपको यहाँ पर थीम का ऑप्शन मिलता है। थीम में आपको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ब्लैक कर दिया आपने इसको, या फिर आपने दिया तभी के लिए हम इसको लाइट रखते हैं। तो आप यहाँ पर आइकन पैक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके आइकन्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से दूसरे आइकन ऐप्स को इंस्टॉल करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी अलग तरह का लॉन्चर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर आइकन शेप्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने इसको स्क्वेरिकल कर रखा है। अगर मैं इसको जैसे कि अगर मैंने इसको टीयर ड्रॉप कर दिया तो आप देख सकते हैं कि इसका आइकन थोड़े चेंज हो जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए इसके तो थोड़े टीयर ड्रॉप से मतलब एक साइड से ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं हमें। और चलिए थीम्स में और क्या बात करते हैं। तो अप्लाई थीम ऑन में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं कि आपको थीम किस किस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, ब्लर इफेक्ट में, ऐप शॉर्टकट्स में, ड्रॉर में। अगर आप इनमें से बिना सेलेक्ट करें अपनी पूरी थीम पे इस तरह से सेलेक्ट कर देते हैं तो आपकी पूरी थीम बदल जाती है, मगर अगर आप इनमें से कोई किसी भी ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देते हैं तो खाली उन्हीं में आपको थीम्स का चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा मैं जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो अपडेट्स के बाद ये फिक्स हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से इसका चेंज हो चुका है, जो कि पहले वाइट था तो अब पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है। चलिए बात करते हैं अब डेस्कटॉप्स में आपको क्या सेटिंग मिलती है। तो आपको यहाँ पर शो पिक्सल टॉप सर्च बार का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पर यूज़ वाइट गूगल आइकन का यूज़ कर सकते हैं, यूज़ वाइट सर्च बार यूज़ कर सकते हैं, या फिर शो ओके गूगल असिस्टेंट बटन भी आपको यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर और सेटिंग्स मिल जाती हैं और आपको यहाँ पर डॉग में भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में भी सेटिंग्स देख सकते हैं। तो आप भी इसको इंस्टॉल करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसके हिसाब से, क्योंकि इतनी सारी सेटिंग्स हैं और कस्टमाइजेशन हैं। चलिए जैसे कि रिव्यू की बात करते हैं इस ऐप लॉन्चर की। तो ऐप लॉन्चर तो बढ़िया है, मगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा अनरिलीज्ड ऐप है, थोड़े से बग्स होंगे आप एक्सपीरियंस करेंगे, मगर थोड़ा थोड़ा ये फिक्स हो जाएगा मुझे ऐसी उम्मीद लगती है, अगर आप इसको इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। बाकी कस्टमाइजेशंस के लिए इसको पूरे 5 स्टार मिलते हैं इस लॉन्चर को, और जितने भी मैंने पिक्सल लॉन्चर पहले डाले थे उन सबसे बढ़िया लॉन्चर यही निकला है। सो आप भी इसको अपने मोटो एम में या फिर और भी किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल करके देख सकते हैं कि उसमें कितनी अच्छी तरह वर्क करेगा। सो अभी टेक्निकल की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।